फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का चैप्टर है लेसन नंबर 16 और चैप्टर का नाम है वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरे क्लास मेट बैठे हैं यहाँ पर, ये पूरे क्लासरूम है, ये मैडम है, पूरे बच्चे हैं। बच्चे को मैडम के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि विश्व शांति किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी क्लासरूम में फाइटिंग कर रहे थे यानी लड़ाई कर रहे थे। द टीचर इंटर्स द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम में प्रवेश की, इंटर मतलब प्रवेश की। तो टीचर क्या कहें, स्टूडेंट्स विद्यार्थी व्हाई आर यू फाइटिंग, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। उसमें से अमन बोला, मैडम शांति स्नेच्ड माई नोटबुक। शांति ने मेरा नोटबुक छीना, इसने मतलब छीना। फिर शांति ने क्या कहा, नो मैडम अमन इज टेलिंग अ लाई। नहीं मैडम, अमन झूठ बोल रहा है। फिर टीचर कह रही है, स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई मत करो, लड़ाई रोको। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। तुम्हें अपना एनर्जी लड़ाई में वेस्ट यानी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। यूज इट इन अ राइट वे, एक सही दिशा में यूज करना चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, यदि आप लोग अपने क्लासरूम में शांति बनाने के योग्य नहीं हैं, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, तो कैसे आप अपने पूरे विश्व में शांति बना सकते हैं। तो अमन ने कहा, मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। कह रहा है अमन ने कहा, मैडम वर्ल्ड मीन शांति, वर्ल्ड मीन बोला ना, व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, क्या शांति वर्ल्ड में शांति का मतलब क्या होता है, यानी विश्व में शांति का मतलब क्या होता है। टीचर ने फिर दिया जवाब, बिफोर नोइंग यानी जानने से पहले, व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड। कौन कर रहा है, अमन कर रहा है टीचर से कि मैम पीस क्या होता है, शांति क्या होता है, वर्ल्ड क्या होता है, हमें इसका मतलब बताइए। तो कह रहा है, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड, क्या आप मुझे बता सकती हैं, कैन यू क्या आप मुझे बता सकती हैं मीनिंग ऑफ वर्ल्ड यानी वर्ल्ड का मतलब। तो अमन ने कहा, यस मैडम वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार होता है। तो टीचर ने कहा, गुड नाउ टेल मी व्हाट इज पीस, अब मुझे बताओ शांति क्या होता है, पीस क्या होता है। शांति लड़की ने कहा, मैडम पीस मीन्स शांति होता है। आगे देखिए, टीचर ने कहा, गुड इफ यू वांट टू मेक पीस ब्रिंग इट फ्रॉम योर होम, अच्छा यदि आप चाहते हो शांति बनाना तो हमें अपने घर से शुरू करना होगा यानी अपने आप से शुरू करना होगा। डोंट फाइट एट होम, घर पर लड़ाई नहीं करना है। डोंट क्वारल विथ योर फ्रेंड्स नेबर्स और एनीवन अराउंड यू, हमें अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ कहीं भी किसी भी जगह पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। अमन एंड शांति, अमन और शांति ने कहा, यस मैडम। टीचर ने कहा, द स्टॉप क्वारलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, अपने झगड़े को रोकिए और कोशिश करिए अपने चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए। अमन और शांति ने कहा, ओके मैडम वी सेल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। वी सेल हम करेंगे, ट्राई मतलब कोशिश करेंगे, कीप मतलब बनाए रखने के लिए, पीस व शांति इन द सोसाइटी यानी अपने समाज में शांति बनाए रखने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। टीचर ने कहा, यू गॉट बोथ द वर्ड्स, आपको दो शब्द मिले हैं, वर्ल्ड और पीस, विश्व और शांति। नाउ आई कंबाइन दिस वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू, अब मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ता हूँ और डिफाइन करता हूँ आपके लिए। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस का अर्थ होता है हैप्पीनेस, फ्रीडम, पीस एमंग पीपल यानी वर्ल्ड पीस का मतलब होता है खुशी, स्वतंत्रता और शांति एक दूसरे के बीच में। वर्ल्ड पीस मीन्स टू द ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी, मतलब ये बोल रहा है कि हमें विश्व में
हारमोनी, हारमोनी जानते हैं ना, हारमोनी का भी अर्थ होता है, इसमें बताया है व्हाट इज हारमोनी, पूछा भी है इसमें सवाल, यानी समन्वय स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए। टीचर ने कहा द वर्ल्ड हारमोनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हारमोनी। कह रहे हैं द वर्ल्ड हारमोनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी एक दूसरे को संचालन करना, बैलेंस करना, संतुलन करना और एक दूसरे को जोड़े रखना, ये सभी फैक्टर्स, ये सभी तथ्य जिसमें इसे जिसमें डिस्टर्ब दिस हारमोनी, यानी इस समन्वय को डिस्टर्ब न करें। अमन ने कहा मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर, मैडम प्लीज़ कृपया हम सभी को उस फैक्टर्स के बारे में बताइए। टीचर ने कहा ओके लेट मी टेल यू, चलिए मैं आपको बताता हूँ अबाउट दोज फैक्टर्स, उस फैक्टर्स के बारे में। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब्ड बाई टू मेन फैक्टर्स, वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब्ड बाई टू मेन फैक्टर्स, यानी वर्ल्ड पीस के डिस्टर्ब के द्वारा दो फैक्टर्स बने हैं। पहला है द फर्स्ट वन इज वार एंड टेररिज्म, यानी पहला है युद्ध और टेररिज्म, वार एंड टेररिज्म आर एक्ट ऑफ वायलेंस, यानी वायलेंस मतलब हिंसा, विच अफेक्ट आवर जनरेशन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, जिससे हमारा आने वाली जनरेशन इमोशनली और साइकोलॉजिकली रूप से प्रभावित होगा। द अदर रीजन विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और जो दूसरा डिस्टर्ब है वो शांति के लिए तो बेसिस ऑफ कास्ट, यानी जाति, जाति, कलर, रंग भेद, धर्म, ये हमारी विश्व शांति को भंग करती हैं। सो बाई एलिमिनेटिंग दिस फैक्टर्स एंड बाई रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लाइव लिव इन। ये कह रही हैं कि हमें इन सभी को एलिमिनेट करने, इन सभी फैक्टर्स को एलिमिनेट यानी उन्हें हटाने के, यानी उनको इग्नोर करने के बाद ही हम एक अच्छे ह्यूमैनिटी के माध्यम से वी कैन मेक दिस वर्ल्ड, हम इस संसार को एक बेहतर स्थान में बना सकते हैं। अमन ने कहा ओके मैडम वी शैल ट्राई, हम सब कोशिश करेंगे। टीचर ने कहा नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाई विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस रास्ते को जिसके माध्यम से आप एक अपना विश्व में शांति बना सकते हैं। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि दुनिया की पूरी पृथ्वी जाति हमारा एक परिवार है। अमन एंड शांति नो मैडम वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, अमन और शांति ने कहा नहीं मैडम हमारे पास इसके बारे में कोई विचार नहीं है। टीचर ने कहा ओके लेट मी टेल यू, ओके मैं आपको बताऊंगी वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। इज अ संस्कृत फ्रेज, ये एक संस्कृत फ्रेज है विच इज मेड ऑफ थ्री वर्ड्स, ये तीन शब्दों से मिला है, बोला है वसुध एव एंड कुटुंबकम विच मीन्स दैट द अर्थ ऑफ द वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये बोले ना अर्थ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की पृथ्वी हमारा परिवार है। सो वी शुड कंसाइडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस, वी शुड कंसाइडर, हम सभी को पूरे विश्व में एक परिवार के रूप मिला है जिसे हम विश्व शांति के रूप में जानते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इतना अच्छा मैसेज दिया गया है, लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द वर्ल्ड, चलिए हम खड़े होते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इस भूमि पर शांति बनाए रखते हैं। अभी देख सकते हैं वर्ड मीनिंग है, सेंटेंस और क्वेश्चन आंसर मैं इसी में दे दूंगा, वीडियो में ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वर्ड पावर आप देख सकते हैं, मैच द कॉलम सब कंप्लीट है। दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, ये भारत के राष्ट्रपिता
नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के, ये भी एक राष्ट्रपिता के समान ही हैं। दलाई लामा एक धर्मगुरु हैं, ये तिब्बती धर्मगुरु हैं, हर वर्ष भारत में आते हैं। दलाई लामा एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी दे रहा हूँ।